राजस्थान में आंशिक लॉकडाउन की मियाद बढ़ने के बाद पुलिस प्रशासन भी सख्ती के मूड में आ गई है। पुलिस प्रशासन की ओर से लोगों को नियमों का पालन करवाने के लिए जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं। इसी बीच गृह विभाग की ओर से आदेश जारी होने के बाद अब जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने भी सख्ती बढ़ा दी है। इसको लेकर जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय में अहम बैठक हुई। इसमें लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने और नियमों का पालन करवाने को लेकर चर्चा की गई। एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राहुल प्रकाश की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शहर के तमाम डीसीपी मौजूद रहे। बैठक में सरकारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले लोगों और वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जन अनुशासन पखवाड़ा की पूर्ण पालना कराए जाने के लिए कमिश्नरेट स्तर पे सभी एसपी साहबों की मीटिंग अभी हम लोगों ने बैठ के ली है। सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं और खुद भी नाकेबंदी में पार्टिसिपेट करेंगे और खुद भी जाब्ते के साथ खड़े रह करके रोड पर लोगों के मास्क की पालना, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, अनावश्यक अगर कोई बाहर निकल रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की पालना ये कराएंगे। पुलिस ने जो भी मैसेज था, जो भी समझाइश करनी थी, एजुकेशन करना था, काफ़ी किया है। अब एक पूरी तरीके से सख्ती का मैसेज दिया जा रहा है जिसके अंतर्गत मुकदमे भी दर्ज होंगे, गिरफ्तारी भी होंगी और वाहन भी जब्त होंगे। इसके अंतर्गत जो लोग अनावश्यक तौर पर अपने दुकानों को भी खुला रख रहे हैं उनके भी सीजर की कार्रवाई होगी। हम लोग सबसे यही निवेदन करते हैं कि चूंकि अभी से ये जो शुरू हुआ है कोरोना के संक्रमण को रोकने का प्रयास, ये अगले 3 मई तक लगातार चलेगा, तो लोग स्वयं के स्तर पर अनुशासन करें, अन्यथा हो सकता है उनको और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े। पुलिस पूरी तरीके से सख्ती से पेश आने जा रही है। आज से ये बहुत स्पष्ट निर्देश है कि जो मास्क का चलान है जो 500 रुपये का होता है वो एक आम आदमी के लिए बहुत कम भी नहीं है, ये बहुत सख्ती से इसकी पालना होने जा रही है। जिन दुकानदारों के सामने बिना मास्क के सामान बेच रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मुकदमे दर्ज करने के लिए बोल दिया गया है, गिरफ्तारी करने के लिए बोल दी गई है, वाहन जब्त करने के लिए बोल दिया गया है। अनावश्यक अगर घरों से बाहर निकलेंगे तो हो सकता है परेशान होना पड़े। बैठक के बाद पुलिस अधिकारी खुद सड़कों पर उतर कर नाकाबंदी प्वाइंट पर जाँच करने पहुँचे। इस दौरान लोगों को समझाया गया, साथ ही जो लोग अनावश्यक घरों से बाहर निकले थे उनका चालान भी काटा गया। हर आते जाते शख्स से पूछताछ की गई, साथ ही लोगों को एहतियात बरतने को भी कहा गया। वहीं थानों में आने वाले शिकायतकर्ताओं से उचित दूरी रखकर उनकी रिपोर्ट पर कार्रवाई करने को भी कहा गया। बहरहाल कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस प्रशासन की सख्ती भी जरूरी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जयपुर से बनवारी उपाध्याय की रिपोर्ट।